नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पेपर थ्री के ऊपर रहेगी। पेपर थ्री में का जो ये क्वेश्चन पेपर है वो बेटा वेस्ट बंगाल के सेट का है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के सेट के ज्योग्राफी का पेपर है, 2017 का तीसरा पेपर है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर इनमें से किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो पहली बात करेंगे इस अगेंस्ट मेटा नैरेटिव्स, बिल्कुल सही बात है, ये अगेंस्ट था उनके। सेकंड बात करेंगे इस एंटी फाउंडेशनल, हाँ बिल्कुल ये एक एंटी फाउंडेशनल चीज़ थी। बिलीव्स इन एसेंस, नहीं बेटा बिलीव्स इन एसेंस नहीं था, रिजेक्ट ट्रूथ, हाँ भाई सच्चाई को ही रिजेक्ट करता था, यानी डी ऑप्शन इसको बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैड एस्टैब्लिश द हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। तो बेटा इनमें से किस ज्योग्राफर ने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था, तो सभी को पता होना चाहिए कॉपरनिकस ने। किसने दिया था? निकोलस कॉपरनिकस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। थर्ड क्वेश्चन की बात अगर बेटा करी जाती है तो बोला गया है हु अमंग्स द फॉलोइंग स्कॉलर फर्स्ट डिक्लेयर दैट अर्थ इज स्फेरिकल। तो अर्थ गोल है ये बात किसने कही थी? तो बेटा एरिस्टोटल ने ये बात कही थी। किसने कही थी ये बात? एरिस्टोटल ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, तो हु इज द ऑथर ऑफ ज्योग्राफिया, ठीक है। तो ज्योग्राफिया का जो ऑथर था वो कौन था बेटा? तो ज्योग्राफिया का ऑथर आपका कौन था? टॉलेमी था। कौन था? टॉलेमी, याद रखना। अगर 17 पार्ट्स की बात करी जाए तो आपको स्ट्रैबो लिखना है, अदरवाइज ज्योग्राफिया किसने लिखी थी? टॉलेमी ने लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मैकेनिस्टिक मॉडल्स वर डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस ऑफ ज्योग्राफी। तो बेटा मैकेनिस्टिक जो मॉडल्स ज्योग्राफी में यूज होने लगे तो वो किस एज में यूज होने लगे? तो बेटा वो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी यानी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के दौरान ये सारी चीजें क्या होने लगी, आपकी ऐड होने लगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड फॉल इन द ब्राजीलियन टाइप ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन एज आइडेंटिफाइड एकरमैन। तो बेटा एकरमैन ने दुनिया को पॉपुलेशन रीजन में डिवाइड किया था, तो अगर आपको ना पता हो तो मेरी एक वीडियो इसके ऊपर है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं थ्योरी की, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्राजीलियन टाइप के अंदर कौन सी क्वालिटीज आपकी आती हैं। तो ब्राजीलियन टाइप में बेटा टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट एरिया होते हैं और लो पॉपुलेशन रेशियो रिसोर्स रेशियो होता है, मतलब है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वहाँ बहुत कम होता है और पॉपुलेशन भी कम है और रिसोर्स, पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में रेशियो भी आपको बहुत कम देखने को मिल जाता है। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे, सेवन्थ क्वेश्चन में बेटा कहा जा रहा है द मेजर सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा आर चूज्ड फ्रॉम विच फॉलोइंग। तो जो हमारे बेटा सोर्स होते हैं ना पॉपुलेशन डेटा के, तो वो कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं? तो बेटा सेंसस एंड वाइटल स्टैटिक्स यहाँ से भी लिए जाते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन स्टेशन यहाँ से भी लिए जाते हैं, डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे यहाँ से भी लिए जाते हैं और डेमोग्राफिक ईयरबुक, यानी ये सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल सही है, हम हमेशा इन्हीं सारी चीज़ों से अपने पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा क्या करते हैं, लेते हैं। आठवां क्वेश्चन देखेंगे विच वन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया। तो बेटा सबसे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन की किस एरिया में इंडिया में पाई जाती है? तो वो आपके बेटा गंगा प्लेन, बिना किसी सवाल के गंगा प्लेन्स की डेंसिटी हमेशा 1000 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अबाउट अर्थक्वेक इज करेक्ट। तो इनमें से अर्थक्वेक से रिलेटेड कौन सी बातें करेक्ट हैं? तो बेटा यहाँ पर रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू गलत, इंटेंसिटी की बात नहीं करता है रिक्टर स्केल, ठीक है। द पॉइंट अंडर अर्थ सरफेस वेयर द फ्रैक्चरिंग बिगिन अर्थ एपिसेंटर, ऑल अकर अलोंग द प्लेट बाउंड्री, ये भी सही है। मोस्ट डीप फोकस अर्थक्वेक आर फाउंड अलोंग डिस्ट्रिक्ट, बेटा ये तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं, पर यहाँ पे इनकरेक्ट पहला ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले को अपना आंसर चूज कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ये बेटा क्वेश्चन है इसमें डाउट है, ठीक है।
और अगला 10th क्वेश्चन देखेंगे। अ लॉन्ग नैरो एंड वाइडनिंग डिपॉजिट ऑफ स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट डिस्क्राइब्ड। तो बेटा एक लॉन्ग नैरो वाइडनिंग डिपॉजिट स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट जो होता है, जो ग्लेशियर की वजह से होता है, तो उसका क्या नाम है बेटा? तो उसको हम कहते हैं एस्कर। क्या कहते हैं उसको? एस्कर। ये तो एग की शेप में होता है या बोट की शेप में होता है, उल्टी बोट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर विच दे अपियर्ड। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट अपियर्ड कब हुए, तो इसके सीक्वेंस को मेंटेन करना है। तो देखेंगे सबसे पहले कौन सा आया था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म। उसके बाद आपका आया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फिर आपका आया था कॉन्वेक्शनल करंट, फिर आपका आया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में बेटा बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट इन टेक्टोनिक इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड स्टेट दैट देयर इज अ जनरली। तो बेटा जब हम मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं टेक्टोनिक के संदर्भ में, तो लैंडस्लाइड जो है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है बेटा अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एन इवेंट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजन एंड अजर्शन का है, तो जरा समझते हैं। फ्लड बिकम्स द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ नेचुरल हैजार्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। रीजन, ड्यू टू मोर एंड मोर पीपल आर लिविंग इन फ्लड हैजार्ड प्रोन एरिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, सही बात है। क्योंकि कोई भी जो हैजार्ड है वो कब बनेगा कोई डिजास्टर, जब वहां पर किसी भी पॉपुलेशन की जान या माल का नुकसान होता है, तब वो एरिया बन जाता है आपका आपदा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली वीकेंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैकेंडर्स जियोपॉलिटिकल अटलांट थ्योरी। तो इनमें से कौन सा एक नेगेटिव पॉइंट है जो उनकी थ्योरी को कमजोर करता है? तो पहला ही है एसेडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है बेटा, यही उनकी उसको कमजोर करता है। अदरवाइज USSR जो है वो ग्रेट पावर था अकॉर्डिंग टू मैकिंडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15। इरोजन कैन बी सीन एज सिक्वेंस ऑफ थ्री प्रोसेस। तो बेटा इरोजन जो है वो तीन प्रोसेस में होता है, तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं? तो वो है बेटा दीज थ्री प्रोसेस आर ऑफ्टन क्लोजली रिलेटेड एंड समटाइम्स नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच अदर। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखेंगे। अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग दैट रिक्वायर्स डेली फ्रीज थॉ कंडीशंस टू ब्रेक रॉक इनटू एंगुलर फ्रेगमेंटेशन। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बेटा इसको हम फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रीजिंग हो रही है। ठीक है, एक्सफोलिएशन आपका कहाँ होगा? डेजर्ट एरिया में होगा। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इम्प्लाइज दैट। तो बेटा सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो किस चीज के संदर्भ में बात करी जाती है, क्या है उस थ्योरी का? और तो वो है न्यू क्रस्टल मटेरियल इज बीइंग फॉर्म्ड। तो बेटा जब दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो लावा क्या होता है, इस यहाँ से टूटने की वजह से लावा यहाँ के बिछ जाता है और न्यू मटेरियल को क्या करता है, स्प्रेड करता है। इसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एट सोर्स रीजन ऑफ सीपी एयर मास। तो नॉट बोला गया है, तो नॉट की अगर बात करी जाए तो वेरी अनस्टेबल। बेटा वेरी अनस्टेबल नॉट है, ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई होता है, वेरी स्टेबल है, वेरी लिटल और क्लाउड कवर है, अनस्टेबल नहीं होता है। 19 की बात करेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। तो इनमें से बेटा कौन सा इनकरेक्टली है, ठीक है, एनएलएम के संदर्भ में। तो इनमें से बेटा आपका हैदराबाद जून माह सही है, भुवनेश्वर जून 10 सही है, जुलाई 1 सही है, पर जून 10 गुवाहाटी ये गलत है बेटा। ठीक है, ये गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द रिसेंट असेसमेंट ऑफ साइक्लोन वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट बाय IMD द मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरिया।
तो बेटा साइक्लोन असेसमेंट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निकाला गया है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, और बताया गया है कि सबसे खतरनाक जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो बताइए कौन से राज्य के अंदर सबसे डेंजरस डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। तो बेटा ओडिशा के, यानी आपका जो ऑप्शन डी है, ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है साइक्लोन के संदर्भ में। ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज क्वाइट लो बिफोर 1921। तो बेटा 1921 के पहले जो पॉपुलेशन थी वो क्यों धीमी गति से बढ़ रही थी? तो उसका रीजन था बेटा, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, आज से डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी, वर्ल्ड वॉर वन में इंग्लैंड हमारे देश के लोगों को ले जाकर वहां पर भेज रहा था, तो ये सारे रीजन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो बेटा हाईएस्ट फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहाँ की है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब होता है एग्रीकल्चर लैंड को आप नीचे रखेंगे और टोटल पॉपुलेशन आपकी ऊपर आ जाएगी, यानी जापान के अंदर खेत कम है पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये जापान के संदर्भ, सॉरी जापान के संदर्भ में बेटा बात नहीं करी जा रही है, ठीक है। जापान के संदर्भ में नहीं, इसका करेक्ट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। 23 क्वेश्चन की बात करेंगे, गोइंग बाय द पैटर्न ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑब्जर्व एट बिगनिंग 21st सेंचुरी, विच स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा टोटल फर्टिलिटी रेट के संदर्भ में 21st सेंचुरी में इनमें से कौन सी बात बिल्कुल करेक्ट है? तो इसमें से बात एक ही करेक्ट निकल के आ रही है, ऑप्शन सी, इंडिया हैड हाइयर टोटल फर्टिलिटी रेट कंपेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ पॉपुलेशन ग्रोज एट एनुअल रेट ऑफ 1%, अगर किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन 1% पर ईयर की रेट से बढ़ती है तो वो डबल कितने साल में हो जाएगी? तो बेटा वो डबल हो जाएगी आपकी 70 ईयर्स में, याद रखिएगा। कितने साल में डबल हो जाएगी? 70 साल में। ये DSSB PGT का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जोबर्ग मॉडल हैज डू विद, तो बेटा जोबर्ग मॉडल का क्या काम है? तो उसका काम है प्री इंडस्ट्रियल सिटी का, किसका काम है? प्री इंडस्ट्रियल सिटी का उसका मॉडल है। 26 क्वेश्चन की बात करेंगे, 26 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेन एस्पेक्ट ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो बेटा इनमें से कौन सा मेन एस्पेक्ट नहीं है रूरल सेटलमेंट का? तो सिचुएशन नहीं है बेटा, गांव में घर कहीं भी बन जाते हैं, सिचुएशन का कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। 27 क्वेश्चन देखेंगे, द लॉ ऑफ प्राइमेसी इन अर्बन हायरार्की वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। तो बेटा लॉ ऑफ प्राइमेसी अर्बन एरिया की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ये दिया था आपके जेफरसन ने, ठीक है, 1939 में दिया था, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलेंगे, एक्सबर्नाइट्स आर, एक्सबर्नाइट्स कौन होते हैं बेटा? तो एक्सबर्नाइट्स होते हैं द कम्यूटर्स बियॉन्ड कॉन्टिन्यूस अर्बन बिल्टअप एरिया, ठीक है। क्या होते हैं? द कम्यूटर्स बियॉन्ड द कॉन्टिन्यूस अर्बन बिल्ट एरिया। चलिए 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो 29 क्वेश्चन में देखा जा रहा है, विच आइडेंटिफाइड रिसोर्स अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू लास्ट लॉन्गेस्ट। बेटा इनमें से कौन सा एंड तक रिसोर्स रहने वाला है? तो वो है निकल, निकल एंड तक रहेगा, कोल, बॉक्साइड और मर्क्यूरी बहुत ही जल्दी ये खत्म हो जाएंगे रिसोर्स। चलिए 30 क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट ग्रीन रेवल्यूशन, बेटा 1964 से लेकर 1970s के बीच में रहा था, तो इनमें से कौन कौन सी अप्रोचेस इसके अंदर शामिल की गई थी? तो इसमें बेटा HYV सीड थे, एग्रोकेमिकल्स भी थे, ठीक है, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम नहीं था, मॉडर्न फार्म मैकेनिज्म था बेटा, और आपका पांचवा प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम भी था, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 4, 3, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रक फार्मिंग, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ट्रक फार्मिंग। बेटा आप सभी को पता है वेजिटेबल्स को जब अमेरिका में, यूएसए में एक शहर तो शहरों तक पहुंचा जाता है ट्रकों के माध्यम से, उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं, तो इनमें से एक इनकरेक्ट है, तो वो कौन सा है? तो बेटा सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेबर कॉस्ट आर ऑफ्टन रिलेटिवली हाई ऑन दीज लार्ज स्केल फार्मिंग ऑपरेशंस, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इंडस्ट्रीज विच आर कंसिडर्ड फुटलूज। बेटा फुटलूज इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, तो फुटलूज इंडस्ट्रीज के अंदर बेटा आपका आ जाता है सी, आर नॉट अफेक्टेड बाय ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। बेटा इनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सेज पॉलिसी इंडिया में कब अनाउंस करी गई थी, तो बेटा 19, आप लोग कोशिश करिए 2019, मैंने बोला था वो गलत है बेटा, 2000 में सेज पॉलिसी इंडिया में गई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको कहते हैं। 34 क्वेश्चन देखेंगे, सी लेवल राइज विल प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द सिटीज ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन कोस्टल प्लेन इन फॉलोइंग सीक्वेंस। तो सबसे पहले अगर सी लेवल राइज होता है तो कहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, कलकत्ता में सबसे पहले, फिर मुंबई, फिर चेन्नई। बेटा ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी आ चुका है, यहाँ पर भी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। 35 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज हाईली इलास्टिक, तो इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट मॉडल है जो हाईली इलास्टिक है, तो आप सब बताने की कोशिश करेंगे। 35 क्वेश्चन बेटा रोडवेज, ठीक है, रोडवेज बिना आंखें छपका इसको क्लिक करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज, तो बेटा नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें बताइए, फाउंडेशनल है, सही बात है, एंटी फाउंडे, अभी बात जब फाउंडेशनल है तो एंटी फाउंडेशनल हो ही नहीं सकता। प्रोडक्शन ऑफ नेशनलिज्म, सही बात है, क्लियरली स्पेशल, ये भी सही बात है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कुर्द्स प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ, बेटा कुर्द्स किसके एग्जाम्पल हैं, तो बेटा स्टेटलेस नेशन के एग्जाम्पल है कुर्द्स, किसके, स्टेटलेस नेशन के एग्जाम्पल है। 38 को देखेंगे जरा बेटा, सेलेक्ट द कॉन्टिन्यूस सिक्वेंस ऑफ लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेटा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चाइना दे नहीं रखा है, उसको इग्नोर करिए। 39 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ थ्री कंट्री, तो तीन कंट्रीज के साथ कौन सी स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो बेटा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ करती है, चाइना के साथ करती है और म्यांमार के साथ करती है, ठीक है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। 40th क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग न्यू चैलेंजेस टू जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट बोला है, कौन सा एक चैलेंज नहीं है, तो बेटा इंटरनेशनलाइजेशन एक चैलेंज नहीं है, बाकी सब चैलेंज है, ठीक है। सो गाइज आई होप आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और गाइज लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Oh,